मेरी बड़ी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ कल हुई। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को मैं अपने तहे दिल से मुख्यमंत्री को, सारे हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, प्रदेश की भाजपा के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को और मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थितियों में जो दूसरी लहर आई उसमें जिस तरीके से सावधानी बरती गई सभी के द्वारा और खास करके आप लोगों के द्वारा जो आप लोगों ने प्रचारित भी किया, और इस वातावरण में हमारे कोविड वॉरियर्स और आपने जिस तरीके से जनसेवा भी निभाया है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। अभी दूसरे वेव पर हम लोग ने काबू पाया है, लेकिन अभी भी जंग जारी है। ये हम ना सोचें कि जंग समाप्त हुआ है। अभी भी हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी, अभी भी हम लोगों को तीसरी वेव की तैयारी करनी होगी, और इसका एक ही हल है अंत में, और वो हल है टीकाकरण। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने चैनल्स यहाँ आए हैं, आपके चैनल्स के द्वारा भी टीकाकरण का उत्साहवर्धन करें, सभी को एक ऊर्जा प्रदान करें कि टीका ही एकमात्र अस्त्र है और शस्त्र है इस वायरस के विरुद्ध। बड़ी विस्तृत चर्चा कोविड पे भी हमारी हुई है, और कल का कार्यक्रम भी है जहाँ 5 या 6 एम्बुलेंस मैं अपने तरफ से भी दे रहा हूँ सारे जिलों को। ये फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज होंगी जिस कार्यक्रम में आप लोग भी आमंत्रित हैं। उसी के साथ कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग रहे हैं। तो चाहे मैं हूँ, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, हम सब अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तैयारियाँ तीसरी वेव के लिए भी हमें करनी होगी, संयुक्त रूप से हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और इसमें मैं ये एक जरूर बात कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीति हमें नहीं लानी चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी दल का व्यक्ति, ये जनता की एक लड़ाई है, विश्व की एक लड़ाई है, और ये विश्व की लड़ाई में हम लोगों को एक साथ होना चाहिए।